हम ये समझ रहे थे कि किस प्रकार रिएक्शंस बंद कर देने से, यानी कि जो डेली लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं या जो लाइफ हम जी रहे हैं, वो लाइफ वाकई जी रहे हैं या सिचुएशन से ही अफेक्टेड हैं, सिर्फ लोगों से अफेक्टेड हैं। तो हम हर चीज़ को, जो हमारा जो ब्रेन है या जो हमारा माइंड जो परसीव करता है, वो दो चीज़ों में बांट देता है, डुअलिटी में बांट देता है। एंड देन उसके बाद भी वो कई सारे सेक्शंस उसके बढ़ जाते हैं, अच्छे या बुरे में बढ़ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव में बढ़ जाता है। तो हम हमेशा अपने लाइफ के इवेंट्स को इस प्रकार देखते हैं कि ये लाइफ की इवेंट या तो अच्छी हुई है या बुरी हुई है। बुरा है तो छोड़ दो, अच्छा है तो ले लो, खुश हो जाओ या दुखी हो लो कुछ बुरा हुआ तो। तो जब जब भी हम सिर्फ अच्छे बुरे में देखते हैं अपनी लाइफ को, या लाइक और डिसलाइक में देखते हैं, तो होता ये है कि आप एक ऐसा लूप क्रिएट कर देते हैं जो हमेशा हाफ रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक साइड से जाएगा, दूसरे साइड से नेगेटिव जाएगा, यानी कि दोनों ही साइड्स हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करने में लगी रहेंगी। हाफ आप कभी भी कंप्लीशन को फील नहीं कर पाएंगे। कंप्लीशन तभी फील कर पाएंगे जब आप अपने शून्य में उतरेंगे, जब आप अपने साक्षी में उतरेंगे। तो होता ये है कि जब जब भी लाइफ के इवेंट्स होते हैं, फैमिलीज में जब कुछ ड्रामा क्रिएट होता है, तो आप देखें कि ये उस व्यक्ति की स्टोरी है, यानी कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो क्योंकि आप एक लेबल से अफेक्टेड हो। आप अपने फैमिली में सबके अपने एक लेबल हैं, यानी कि आपके माता, आपके पिता, भाई बहन, आपके फैमिली में जो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको लेबल के रूप में देखते हैं, यानी ये मेरी माँ है तो मुझे इनको बहुत प्यार से देखना है। प्यार हो या ना हो वो अलग बात है, ये मेरे पिता हैं, मुझे इनको ऐसे ही करना है। ये अच्छी बात है कि शिष्टाचार होना चाहिए, एक बेसिक जो जो समाज में आप रहते हैं, शिष्टाचार बहुत ज़रूरी है। आप किस प्रकार से अपने बड़ों को ट्रीट करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो लोग आपके जीवन में हैं, ये कौन हैं, ये सोल्स हैं, ये आत्माएं हैं, इनकी अपनी एक जर्नी है, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहता है, सिचुएशन को मैनिपुलेट करना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसका माइंड है। अगर आप लेबल को सिर्फ देखते हैं तो आप ज़रूर धोखा खाएंगे, और अगर आप ये देखते हैं कि ये व्यक्ति एक सोल है, इसके पास एक माइंड है, ये माइंड से ड्रिवन है, ये ईगो से ड्रिवन है, तो आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से बच जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। अक्सर फैमिलीज़ में लोग अफेक्टेड होते हैं एक दूसरे के अब्यूज़ से। तो ये क्यों हो रहा है, ये लूप हम क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं? जो स्ट्रेस का रीज़न है आज के लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके काम से आ रहा है, ये बहुत सारा स्ट्रेस आपकी फैमिली से आ रहा है, आगे समझेंगे।